चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट चार्जेस हैविंग द वैल्यूज एज शोन आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर इन एयर पोटेंशियल एट सेंटर ओ। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो अल्जेब्रिक एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन तो होगा नहीं क्योंकि ये वेक्टर है नहीं। तो उसके लिए आपको नेट चार्ज की जरूरत पड़ेगी, टोटल चार्ज से ही डिसाइड हो जाएगा क्योंकि अल्जेब्रिक एडिशन होना है। तो ये दोनों प्लस माइनस 5 5 जीरो हो गया, फिर जीरो प्लस 7 कितना होगा? प्लस 7 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 11 13 13 प्लस 7 हो गया 20 20 प्लस 35 हो जाएगा 20 प्लस 15 35 और 35 माइनस 7 28, तो 28 माइक्रो कूलम नेट चार्ज हो गया। 28 माइक्रो कूलम या 28 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, करेक्ट। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू नेट चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू के क्यू, क्यू नेट की वैल्यू 28 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 0.4 मीटर ही बोला हुआ है, तो 0.4 कर देते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 4 सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 6 ये ऊपर जाएगा और ये 4 कितने 7 ये हो जाएगा 63 इंटू 10 टू पावर, ये माइनस 1 भी ऊपर जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 4 4 हो जाएगा वी नॉट वोल्ट। 63 इंटू 10 टू पावर 4 63 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कौन सा है? ए वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।